पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकियों द्वारा पूर्व में बंद किए शिविरों को फिर से शुरू किया जा रहा है। इसके अलावा नए स्थानों पर भी शिविरों का संचालन किया जा रहा है। सेना इन पर पैनी नजर रखे हुए है। ऐसे शिविरों को नष्ट करने के लिए फिर से बड़ी कार्रवाई की जा रही है। सेना के सूत्रों के अनुसार पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आतंकियों ने अपने शिविर बंद कर दिए थे। पुराने स्थानों में फिर करीब करीब सभी शिविरों को बंद कर दिया गया, लेकिन 2-3 साल के बाद ये शिविर खाली पड़ गए हैं। इस बीच कई नए स्थानों पर आतंकियों के शिविर बने, लेकिन वो ज्यादा समय तक नहीं टिक पाए। आतंकियों द्वारा बार बार स्थान बदले गए। ऐसे में सेना द्वारा सुरक्षा बलों के संभावित हमलों से बचने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है।